हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो विद न्यू टॉपिक। आज हम कन्वर्ट करने वाले हैं इस हट को 5-स्टार हट में कन्वर्ट। सो गाइस, सबसे पहले तो हमें यहाँ की साफ सफाई करनी होगी क्योंकि यहाँ की कंडीशन अभी बहुत ज्यादा खराब है। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारा सामान पड़ा है, यहाँ पे कुछ पाइप भी गिरे हुए हैं और ये कुछ गद्दे भी हैं यहाँ पे, और यहाँ पे फावड़े वगैरह बहुत सारी चीजें रखी हुई है क्योंकि अभी हमारे नए घर का काम चालू है और इसकी वजह से हमने यहाँ पे ये सामान रखने के लिए इस जगह को बनाया था। तो अभी हमें इसे साफ करना होगा, फिर उसके बाद हम हमारा मेन काम शुरू करेंगे। सो गाइस, अभी हमने छत का काम पूरा कर दिया है, हमने ब्लैक रखा है और आधा रखा है ग्रीन। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है क्योंकि ये जो दीवारें हैं ये मिट्टी की है और इनके बीच में मिट्टी है, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा मिट्टी हमारे ऊपर गिर भी रही थी। अब इसके बाद में हमें साइड की वॉल पे काम करना है जिसपे कि हम ये व्हाइट वाला कपड़ा लगाएंगे जो कि मैं टेंट वालों से लेके आया हूँ। ये काफ़ी गंदे भी हैं और कुछ कुछ जगह से फटे हुए भी हैं, तो थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। तो गाइस, फाइनली हमारे साइड्स का भी काम हो चुका है। यहाँ पे हमने चारों जो वॉल हैं उनके ऊपर व्हाइट कलर का कपड़ा लगा दिया है। अब इसके बाद में नीचे लगाने हैं हमें गद्दे, ये वाले लगाने हैं। ये वाले गद्दे अब यहाँ पे नीचे बिछाने हैं, फिर उसके बाद में ये लगाएंगे। यहाँ पे ये भी लग चुके हैं गद्दे, और ये है हमारी पूरी टीम। ये है सर्वेश, साहिल, प्रियांशु, दीपक, बताने की जरूरत नहीं है। गाइज, अभी हमारा इतना काम हो चुका है और आप देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ बिखरा पड़ा है। ये देखो, यहाँ पे होल्डर वगैरह, ये सब कुछ मशीन वगैरह, सब कुछ ट्यूबलाइट वगैरह, और ये देखो गाइज, ये बहुत कमाल की चीज़। बच्चे सेटअप तो करने नहीं गाइज, बहुत कमाल की चीज़ है ये, मैं दिखाता हूँ आपको। देखो, पास मिला सेल, ओए ये देखो, ये बहुत कमाल की चीज़ है। इसको प्रेस किया और ये मिस्टर रावण ये देखो गाइस, ये है मस्त चीज तो, लेकिन हम इस पे नहीं बैठ सकते। अगर मैं एक बार बैठा ना, मेरा अगर एक पैर भी रखा गया तो। और इधर हमारा टीवी है जिसे भी अभी हमें सेटअप करना है और बाकी सिस्टम। अरे एल्विज भाई, क्या ये कोई बोल सकता है क्या? तो गाइज, अभी सुबह से हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया है, मैंने और जो हमारा कैमरामैन है उसने अभी तक खाना नहीं खाया है। गाइज, ज़्यादा भी नहीं तो 2 से 2.5 घंटे हमें अभी लगने वाले हैं इसको पूरा सेटअप करने के लिए, क्योंकि अभी हमने लाइटिंग प्रॉपर नहीं की है, आधी अधूरी लाइटिंग की है। अभी लाइटिंग कम्प्लीट करनी है और फिर उसके बाद में रात हो जाएगी, रात तक शूटिंग चलेगा। फिर उसके बाद में आज रात को हमें यहीं पर सोना पड़ेगा क्योंकि फिर इतना सब कुछ यहाँ पर रहेगा तो फिर हम घर नहीं जा सकते, और यहाँ पे क्या है, गेट वगैरह कुछ भी नहीं है, तो इससे ज़्यादा रिस्क रहेगा यहाँ पे चोरी वगैरह का, ये सब कुछ टीवी वगैरह बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, तो इसलिए आज रात को हम यहीं पे सोने वाले हैं, बहुत मस्ती करेंगे। ऑलराइट गाइस, तो अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका आप सभी को और हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था। यहाँ पे रूम में एंटर होने से पहले हमें एक बल्ब मिल जाता है जो कि बाहर की रोशनी के लिए है, और फिर जैसे ही हम रूम के अंदर आते हैं, अंदर आते ही आपको मिल जाती है एक ग्रीन कलर और एक ब्लैक कलर की बॉल, फिर आपको मिल जाती है एक RGB ट्यूबलाइट जो कि इस कमरे की शान है हमारी नज़रों में, क्योंकि इसके बिना ये कमरा कुछ नहीं। और अब हम इस तरफ आ जाते हैं, इधर है हमारी गुड वाइब्स जो कि एक बहुत ही अच्छी लाइटिंग है, जो कि एक ब्लू और पर्पल का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन जो है। अगर मैं यहाँ पे खड़ा होता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक पर्पल कलर की और एक ब्लू कलर की जो लाइट्स आ रही है मेरे चेहरे पे, कितना अच्छा कॉन्ट्रास्ट है इन दोनों का। और फिर यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे है हमारा अमेज़ोन एलेक्सा जिसको अभी हमने ऑन नहीं कर रखा है। फिर यहाँ पे आ जाते हैं कुछ फ्लावर्स जो कि हमने सिर्फ ऐसे ही रखे हुए हैं। फिर यहाँ पे एक क्यूब आ जाता है जो कि टाइम पास के लिए है। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। इसके अंदर अभी सेल नहीं होने की वजह से, सॉरी फॉर देट, मैं आपको ये चला के नहीं दिखा सकता। और फिर इसके बाद में यहाँ पे एक और फ्लावर आ जाता है, और यहाँ पे है हमारा टीवी जो कि चलता है, इसे हम आपको थोड़ी देर बाद में चलाकर दिखाएंगे। फिर इधर आ जाते हैं, इधर आने के बाद में है हमारा ये प्यारा सा गिटार जो कि मुझे बिल्कुल नहीं बजाना आता। और गाइस, यहाँ पे है वो चीज़ जिसके लिए सब यूट्यूबर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और मैंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, उसके बाद जाकर मुझे यूट्यूब की तरफ से प्ले बटन मिला था जिसे भी हमने
मेरे इस रूम में लगाया है, मतलब मेरा तो नहीं कह सकता, हमारी पूरी टीम ने मेहनत की है, तो हमारी टीम की जो हमारे टीम का रूम है उसमें हमने इसे इस प्ले बटन को लगाया है। और गाइस यहाँ पे आ जाता है हमारा सीटिंग एरिया जो कि हमारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये मेरे छोटे भाई साहिल के लिए हमने स्पेशली लगाया है क्योंकि उसकी विश थी कि वो सोफे के ऊपर बैठे, तो हमने स्पेशली उसके लिए लगाया है। और इसके अलावा हम लोग यहाँ पे भी बैठ सकते हैं, और तो यहाँ पे टोटल 6 गद्दे हैं और 6 गद्दों को मिलाकर बनाया है हमारा बेड। सो गाइस मैं अभी आपको अपना टीवी ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखो गाइस टीवी हमारा चल चुका है, अभी हमने इसे पूरा सेटअप नहीं किया है और अभी हम यहाँ पे डिश वगैरह नहीं लगा सकते क्योंकि हमारा परमानेंट नहीं है ना, तो अभी हम इसमें सिर्फ पेन ड्राइव लगाकर इसमें मूवीज वगैरह अगर हमें कुछ देखना होगा तो देखेंगे। आई होप गाइस यू रियली रियली एंजॉयड द वीडियो वेरी मच, डू सब्सक्राइब शेयर लाइक कमेंट। अरे भैया उस वीडियो के बारे में तो बता दो। हाँ बता दो बता दो। सो गाइस वीडियो अभी एंड नहीं हुई है, बाय।